माता जो होती है उसका जो दूध घी के फायदेमंद ही है जी और एचएफ जो गाय है तो कभी भी उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं लोगों में कैंसर डायबिटीज जो सब प्रॉब्लम है श्वेत क्रांति आई है वो भी लोग ये देशी गाय के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उनको जो भी दूध घी आप जो भी कुछ सप्लाई करते हैं उसमें आप प्योरिटी का ध्यान रखें सीजन का चारा चेंज हो गया या आपका फीड चेंज हो गया सीजन के अकॉर्डिंग भी जो दूध होता है उसका भी कलर चेंज होता है टेस्ट भी चेंज होता है स्केल पे ले जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट या लेते परसेंट आप सस्टेन कर सकते हैं ट्वेंटी पर हम लोग ये सोचने लगे की बैकवर्ड लोग या किसान लोग ये काम करते हैं फिर वो हम लोग अच्छा खाएंगे कहाँ से अच्छे अच्छी जो तो चीजें वो हमें मिलेंगी कहाँ से नमस्कार दर्शकों ये जो गाड़ी है ये खासकर उन रास्तों पर चलती है जहाँ के रास्ते बड़े दुर्लभ होते हैं ऊंचे नीचे होते हैं और आज ऐसी ही कहानी कुछ हम लेकर आए हैं आपके सामने आज हम हैं गुजरात के अहमदाबाद के 50-60 किलोमीटर आसपास एक गांव में कौन सा ये गांव है यहाँ की क्या खासियत है तो और यहाँ पर जो कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह है किसी महिला की जी हाँ मातृशक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती इसका जीवंत उदाहरण हम सभी जानते हैं हमारे परिवार में जो माताएं होती हैं बहनें होती हैं वो हर असंभव काम को संभव बना देती हैं तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहन मौजूद है आज उनकी कहानी जानेंगे खबर किसान की चैनल के माध्यम से आपका शुभ नाम बताएं और अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को जय गौ माता मैं हूँ आराधना और श्री चैतन्य गिर गौशाला के नाम से हमारी जो गौशाला है ये अहमदाबाद डाकोर के पास में है जी Uh, मैं जानना चाहूँगा तमाम वीडियोस आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हैं हमने भी उस वीडियो को देख कर आप तक पहुँचने के प्रयास किया तो ये बताइए कि लगभग कितने वर्षों से आप इस जो डेयरी फार्मस का संचालन कर रहे हैं और आपकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई मैं पिछले चार साल से ये चला रही हूँ जी और इस कहानी की शुरुआत एक्चुअली में ऐसे हुई कि मैं तो शहर शहर में रहती थी पहले बॉम्बे में भी काफ़ी साल रही हूँ अहमदाबाद फिर हम शिफ्ट हो गए मेरा हस्बैंड जॉब करते हैं फार्मा सेक्टर में तो जब हम शहर में अच्छा दूध अच्छी सब्जियाँ या कोई भी आप प्योर चीज़ ढूंढने को जाएंगे, तो वो हमें नहीं मिलती है दूध में केमिकल या मिलावट बहुत कॉमन बात है शुद्ध दूध मिलता ही नहीं है तो ये विचार मेरा वहीं से शुरू हुआ था कि क्यों ना एक मैं कुछ छोटा सा प्रयास करूं ताकि हम जो शहर में जो हमारे रिलेटिव या जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको एक अच्छी चीज़ें हम दे पाएँ करके तो आइए चलते चलते बात करते हैं लेकिन आपने जो चुनाव किया वो देसी गाय गाय का क्यों चुनाव किया आप HF पे भी जा सकती थी भैंस पे भी जा सकती थी तो आपने देसी गाय का चुनाव क्यों किया देसी गौ माता जो होती है उसका जो दूध घी जी. जो भी कुछ है वो तो हमेशा मतलब की फायदेमंद ही है जी और एच जो गाय है हुँ. वो उनका जो भी बाई प्रोडक्ट है दूध है वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा कभी भी उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं लोगों में कैंसर डायबिटीज़ ये जो सब प्रॉब्लम है ये जो एचएफ का जब से श्वेत क्रांति आई है लोग एचएफ के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब एचएफ को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रमोट किया है उससे हम क्या देखते हैं कि समाज में बीमारी और लोगों की परेशानी बढ़ी है तो मुझे ये बात जब भी शुरू करना था गोपालन शुरू करना था क्योंकि मुझे केमिकल वाली चीजें खुद भी यूज नहीं करनी थी और जो भी मैं यहाँ पर से जो भी लोगों को सप्लाई हैं जो यहाँ से लोग यूज़ करें उनको भी अच्छी और शुद्ध चीजें मिलें ये चाहती थी इसलिए मैंने ये देशी पालन शुरू किया और इसमें से भी गिर गौ माता इसलिए चूज किया क्योंकि गिर गिर गौ माता जो है 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 वो गुजरात की 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 नेटिव नेटिव अपना ये नेटिव ब्रीड है यहां का तो इसके लिए हमने गीर पे काम शुरू चलिए आपने फायदे फायदे बात बात करी करी सेहत के फायदे की बात करी। लेकिन जेब का फायदा भी तो होना चाहिए ना कॉमर्शियल चीजें वायबल भी होनी चाहिए जब हम देसी गाय की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इसमें मुनाफा नहीं जो किसान पहले अपने घर में अपने खूटे से देसी गौ माता को रखते थे या उसका गौचर भूमि में उसको चराने जाते थे अब उन्होंने भी

जो नॉर्मली मार्केट में ये ट्रेंड है कि जो दूध है जो हमारा डेली मतलब हर जो भी है छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोग सबको दूध मतलब फर्स्ट पहली जरूरत होती है दूध एकदम एसेंशियल चीजों में आता है तो दूध में जो मिलावट होती है जब आप प्योर दूध बेचने जाते हैं मार्केट में तो उसकी प्योरिटी पे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं तो जो भी लोग ये देशी गाय के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उनको जो भी दूध घी आप जो भी कुछ सप्लाई करते हैं उसमें आप प्योरिटी का ध्यान रखें जी तो इससे लोगों का विश्वास बनेगा और फिर वो लोग जो है वो दूध का सही आपको रेट दे पाएंगे जी प्योरिटी का मानक आप किसको कहती हैं देसी गाय का जब दूध आप सप्लाई करते हैं तमाम ऐसे जो गोपाला के हमारे सामने बात करते हैं कस्टमर उनसे कहता है कि आपका दूध पतला है बारह महीने आपका टेस्ट सेम नहीं रहता थिकनेस सेम नहीं रहती कलर सेम नहीं रहता तो आप प्योरिटी किसको मानती हैं अगर आप दर्शकों को बता पाए कि हम इस तरीके से प्रमाणिकता के साथ दूध दे रहे हैं या ये चीजें होती हैं आपको इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए दूध तो ऐसा चीज़ है बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ होता है और सीज़न का चारा चेंज हो गया या आपका फ़ीड चेंज हो गया सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो दूध होता है उसका भी कलर चेंज होता है टेस्ट भी चेंज होता है तो लोगों को आपके ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए और आप अगर सही चीज़ सप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग अपना एक स्टोर भी चलाते हैं अहमदाबाद मणिनगर में तो वहाँ से लोगों की इतनी डिमांड है वो ज़्यादा समय नहीं हुआ है हम वो डेढ़ साल से चला रहे हैं ये गौशाला पिछले चार साल से चला रहे हैं तो डेढ़ साल में मणिनगर के लोगों में आप अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप प्योर चीज सप्लाई करते हैं ना तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप ही बनेगा वो टेस्ट जो है ना वो लोगों को अपने आप ही पता चलेगा बात, जी। वो तो अप डाउन होता है कभी दूध पतला हो गया कभी गाढ़ा हो गया कभी डार्क येलो हो गया अगर ग्रीन फाउडर ज्यादा खिला दिया तो येलो कलर ज्यादा आ गया ग्रीन फाउडर कभी कम हुआ सीजन सीजन के अकॉर्डिंग मतलब कलर चेंज होता है बट जो प्योरिटी है ना वो प्योरिटी दूध शायद अपने आप को प्रूव करने के लिए वो खुद ही काफी है अगर आप यहाँ ईमानदारी से काम करते हैं और लोगों को अच्छी चीज देते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं अब कॉमर्शियल बात कर लेते हैं क्योंकि हम अपने दर्शकों को बेसिकली अब जो गुजरात का दौरा कर रहे हैं हम वो इनसाइड स्टोरी जानने निकले हैं और इसमें डेयरी एग्रीकल्सल टेंट हमारा बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं हमारे जो वर्थ भी हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिकली कितना ये आपका सस्टेन कर रहा है जैसे आपने बताया बीते चार से पाँच वर्षों से आप लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं जब आपने शुरुआत करी थी कितने बजट से स्टार्ट करा था और आज पाँच साल बाद आप कितने बजट लगा और कितना प्रॉफिट में हैं शुरू में मैंने एक्चुअली में कुछ गलतियाँ की थी जी बताइए इसका हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए जो भी देशी गौ माता के ऊपर काम करना चाहते हैं उनको पहले बहुत अच्छे से सोच विचार करना चाहिए सबसे पहले तो उनके पास उनका खुद का लैंड होना चाहिए जमीन उनके खुद की होनी चाहिए मैंने यह गलती की थी कि जो जमीन में हमने शुरू किया था जी। वो जमीन लीज का था उस अच्छा। लीज के जमीन में हमने दो साल ढाई साल चलाया वहां पे जी। फिर मैंने लैंड परचेस किया तो सबसे पहले तो लैंड आपके पास होना चाहिए और सेकंड गलती मैंने ये की थी कि बहुत सारी गौ माता 25 गौ माता किसी गौशाला से वो वो नहीं चला सकते थे तो वो मैंने अडॉप्ट कर लिया था सोचो अच्छा। तो बल्क में एक साथ सब ले लिया था जी लेकिन ये आपने किया लोगों की मदद की पड़ जाएगी तो हमें बहुत ही अच्छे से समझदारी के साथ डिसीजन तो लेना चाहिए गौ माता तो ठीक है जी, जी, पर जो भी लोग शुरू करना चाहते हैं पहली तो जमीन आपकी हो सेकेंड थिंग आप कम से कम अगर बिजनेस स्केल पे ले जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट पांच या दस गायों से आप स्टार्ट करें अच्छा और बजट की अगर बात करें जैसे कि आपने बताया कि जब आपने किसी का रेंट पे ले लीज पे लेकर किया था कितना बजट आपने मान के चला था और जब आपने अपना खुद का किया लैंड के अलावा तो लगभग कितना बजट आपने लेकर चला बजट की बात करें तो वो लीज़ का लैंड होता है लीज के लैंड का तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट होता है जो कॉस्ट होता है गौ माता को केयर करने का कॉस्ट होता है और गौ माता का केयर करने का कॉस्ट भी तब तक होता है जब तक आप अच्छे से उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं जो उसका बाई प्रोडक्ट है अगर आपको सही रेट मिलता है तो फिर इसको भी आप इसके दूध घी से आप आपको सही रेट भी मिलता है आपने सही भी मार्केटिंग कर लिया तो इससे आप 80 परसेंट तक सस्टेन कर सकते हैं 20 परसेंट आपको इसको 100 परसेंट सस्टेनेबल बनाना है तो आपको गौ माता को

होम डिलीवरी में प्रॉब्लम ये आता था क्योंकि होम डिलीवरी फिक्स होता है अगर हमें सौ लीटर डिलीवरी करना है तो वो एवरीडे करना ही है और सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है ना गौ माता का दूध अप डाउन होता रहता है बिल्कुल तो कभी अगर यहाँ पाँच लीटर दूध कम हो गया तो फिर आप किन पाँच लोगों को मना करेंगे तो ये प्रॉब्लम आता था एक तो दूध का जो क्वांटिटी एक समय नहीं हो सकता है कभी भी तो इसलिए हमने ये सोच के डिलीवरी बंद कर दिया और स्टोर की बात करेंगे तो स्टोर से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है स्टोर अपने आप को मतलब अच्छे से सस्टेन कर रहा है स्टोर और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो स्टोर से अच्छे से जा और कितने प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपने बताया दूध है घी है इसके अलावा आप क्या क्या चीज में, कर... में हम लोग सेल करते हैं दूध घी दही छाँस और गोबर से भी बनाते हैं कंडे या उपले जो बोलते हैं और गोबर का ही धूप बनाते हैं इसके अलावा गौमूत्र अर्क बनाते हैं और क्या विजन है आगे कितना एक्सपेंड करने के इरादे हैं आगे अभी हम ये सोच रहे हैं कि अभी इसके साथ में हम स्वीट ऐड करने वाले हैं शायद अभी इस नवरात्रि से लॉन्च करेंगे दो तीन वेरिएंट स्वीट्स का स्टार्ट करेंगे जी और अगर दिखाई जाए एक बार शेड अगर आप दिखाएं अपने दर्शकों को तमाम दर्शक जो हैं तो इसके बारे में बताइए लगभग कितने गोवंश अभी आपके आसपास हैं और कितनी यहाँ पर गायों को आपने किस किस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली मैं अपने पास है साठ से सत्तर गाय है गाय और जितने छोटे बड़े सारे मिला के यहाँ पे साठ से सत्तर हैं जी ये जो बड़ा शेड आप देख रहे हैं जी इसमें मिल्किंग काउस भी है और नॉन मिल्किंग काउस भी है और एक हमारा ये बुल है चंद्रभूषण जी तो इसकी आप ये जैसे बताते हैं कि गायों को बड़ी गौचर भूमि पसंद होती तो इसकी चारे की व्यवस्था कहीं आसपास ये लोग चरने जाते हैं कहां? अभी फिलहाल यहाँ पे चारे की व्यवस्था तो नहीं हो पाई है गौचर की व्यवस्था नहीं हो पाई है लास्ट जो था पुराना वाला गौशाला था वहाँ पे मैंने एक छोटा सा खेत रखा था पास में चार पांच बीघा का लैंड था वहाँ पे हम इनको भेजते थे तो अभी वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई लैंड मिले तो फिर

और इसके अलावा मार्केटिंग में भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पर जब से हमने स्टोर स्टार्ट किया है तो ये जो मार्केटिंग वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ईजी हो गया है गौ गौ माता का काम कह लीजिए खेती किसानी कह लीजिए एक बड़ा बैकवर्ड काम माना जाता है आम सोसाइटी में कि किसान के बच्चे को अपनी बेटी नहीं देता और जब आपने ये गौ पालन स्टार्ट किया तो आपके बच्चों का या आपके परिवार का क्या रिवर्ट था कि मम्मा ये क्या कर रहे हो या जो आपके आसपास के लोग थे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या गाय गोबर के चक्कर में पड़ रहे हो नॉर्मली मैं इस्कॉन टेम्पल से भी जुड़ी हूँ तो एक भक्ति से हम जुड़े हुए हैं जी तो लोगों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था कि माता जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अब अब मंदिर में जब जाती हूँ मैं तो जो पहले जो लोग सम्मान करते थे उससे अब ज़्यादा सम्मान करते हैं कि माता जी गौ माता रखते हैं तो वो हरे कृष्णा करके वो ज्यादा अच्छे से सम्मान करते हैं तो इस तरह का कोई परेशानी नहीं आया और अगर हम लोग ये सोचने लगे कि बैकवर्ड लोग या किसान लोग ये काम करते हैं क्योंकि जो सब चीज़ें हैं जी अगर आप बहुत बड़ी जॉब करते हैं बहुत सारा एजुकेट एजुकेशन आपने लिया है आप कहीं पर भी बैठते हैं हम लोग खाते क्या खाते तो अनाज ही है ना पीते तो दूध ही है ना बिल्कुल।, तो है ना। बिल्कुल। तो अगर हम सब शहर वाले या सारे लोग भाग जाएं कि हमें तो जॉब ही करना है हमें तो ये काम नहीं करना है तो फिर वो हम लोग अच्छा खाएंगे कहाँ से अच्छे अच्छी जो तो चीज़ें वो हमें मिलेंगी कहाँ से बिल्कुल काफी प्रेरणादायी आपकी कहानी आपने तो ये बताइए कि ये जो दूध काटना है तमाम गायों का ये आप खुद करती हैं यहाँ पर या गौ भक्त हैं आपके साथ में गौ के यहाँ पर आ, मेरे हेल्प करने के लिए लोग रखे हैं जैसे कि मैंने आपसी वीडियो में पहले भी कहा था कि दूध की बात करते हैं लोग देसी गौ माता दूध कम देती है तो आपके यहाँ जो गौवंश है अगर आप अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करती है जैसे बता रही हैं तो लगभग कितनी हाइएस्ट पीक पे आपकी गाय गई हैं और कितना दूध उन्होंने दिया है प्रोडक्शन की अगर बात मिल्क देखें तो मैंने उन्नीस लीटर तक मिल्क देखा है जी और नॉर्मल देखेंगे तो यहाँ पे जो गौ माता है चौदह से पंद्रह लीटर तक की है जी और मार्केट की रेट की बात करें जैसे कि आपने बताया कि आप स्टोर पे देते हैं या होम डिलीवरी करते थे तो रेट क्या है यहाँ पर मार्केट का रेट हम लोग का हंड्रेड रुपीज लीटर में हम लोग सेल कर

नेक्स्ट डे तैयार हो जाए तो ये थी हमारे साथ गौभक्त आराधना जी इनसे जुड़ी हुई तमाम वीडियो इनके फार्म से जुड़ी तमाम वीडियो हम और भी लेकर आएंगे अपने चैनल पर इस वीडियो में इतना ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे खबर किसान की धन्यवाद